सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि एसर की तरफ से एक ऑनलाइन इवेंट था जहां पे इन्होंने काफी सारे जो है लैपटॉप अनाउंस किए। नाउ उस अनाउंसमेंट इवेंट में दोस्तों एक खास बात ये थी कि ओनली हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स वर गेटिंग अनाउंस्ड, जैसे कि आप लोग मान के चलिए कॉन्सेप्ट सीरीज हो गई, प्रेडेटर सीरीज हो गई और हिलियोस सीरीज हो गई। तो वो जो है दोस्तों काफी ज्यादा हाई एंड सीरीज है, लेकिन वहां पे बजट एंड सीरीज के बारे में जो है बिल्कुल कोई अपडेट नहीं दिया गया था। नाउ बजट एंड सीरीज दोस्तों यूजुअली लाइमलाइट में नहीं रहती, लेकिन रियलिटी यही है कि काफी ज्यादा लोग जो है इन्हीं चीजों को खरीदना पसंद करते हैं। द प्राइमरी रीजन बीइंग इज द मनी। तो यहाँ पे एसर ने जो है ट्विटर के माध्यम से जो भी नए अपडेट्स हैं दोस्तों उनकी बजट एंड सीरीज में उसको शेयर किया हुआ है। तो एक अपडेट यहाँ पे निकल कर आता है फ्रेंड्स, एसर एस्पायर 7 सीरीज का। बाय द वे दोस्तों, ये एसर इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडआउट पे मुझे मिला है। तो एसर एस्पायर 7 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों की RTX 3050 Ti ग्राफिक कार्ड के साथ में आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। नाउ प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि अप टू इंटेल कोर i7 10th जनरेशन प्रोसेसर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो है AMD Ryzen 5000 सीरीज देखने को मिल रही है। नाउ यहाँ पे ये क्लियर नहीं है दोस्तों कि 5000H सीरीज है या फिर U सीरीज है, लेकिन अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री पे देखूं पिछले जो लैपटॉप लॉन्च हुए हैं दोस्तों, तो वो ज्यादातर जो लॉन्च हुए हैं दोस्तों वो U सीरीज के साथ में ही लॉन्च हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो है आप लोगों को AMD Ryzen 5500U या फिर 5700U देखने को मिलेगा। और जहां तक बात करूं दोस्तों मैं इंटेल वेरियंट की, तो इंटेल वेरियंट में आप लोगों को H सीरीज देखने को मिल रही है, इट इज नॉट एन U सीरीज। Now, furthermore अपडेट बात करता हूं दोस्तों मैं यहां पे इसकी प्राइसिंग की। तो एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे कि कुछ ही दिनों पहले Asus ROG Strix G15 लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि बेस वेरिएंट पे 16GB रैम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 16GB रैम मेरे हिसाब से दोस्तों जो भी RTX 3050 वाले लैपटॉप आप लोगों को देखने को मिलेंगे वहां पे 16GB रैम आप लोगों को जो है स्टैंडर्ड देखने को मिलेगी। तो 8GB जो रैम है धीरे धीरे फेस आउट हो रही है। नाउ ये एक अच्छी चीज है, लेकिन दोस्तों इसका इम्प्लीकेशन कॉस्ट पे सीधा जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रेडिक्शन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मेरे हिसाब से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आगे चल के जो है एक्चुअल लॉन्च जब इवेंट होगा तब वहां पे चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये चीपेस्ट जो है RTX 3050 Ti वाला जो लैपटॉप है आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगा। डेफिनेटली TGP वैल्यू जो है थोड़ी बहुत ऑल्टर हो सकती है दोस्तों, लेकिन 50W से नीचे तो नहीं यहाँ पे जानी चाहिए। तो i5 या फिर Ryzen 5 प्रोसेसर के साथ में अगर आप लोगों को 3050 Ti ग्राफिक कार्ड मिलता है तो मान के चलिए दोस्तों आप लोगों को अराउंड 70,000 rupees का जो है प्राइस पॉइंट यहां पे देखने को मिल जाएगा, जो कि 60Hz के पैनल के साथ में आएगा विद 16GB रैम। और बात करूं मैं स्टोरेज की, तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स गोना बी 512GB ऑफ SSD। फिर एक और वेरियंट दोस्तों निकल कर आता है यहाँ पे हायर एंड वेरियंट, जहां पे आप लोगों को Ryzen 7 या फिर i7 प्रोसेसर देखने को मिलेगा विद RTX 3050 Ti। सो उसकी प्राइसिंग समवेयर अराउंड आप लोगों को 80,000 rupees पे करनी पड़ सकती है फ्रेंड्स। एंड बाय द वे दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो तक यहां तक पहुंच ही चुके हैं तो मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बजट सेक्शन में मैंने आपके लिए कुछ बजट लैपटॉप्स की लिंक दी हुई है, वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके जो है उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पे एक और चीज जो है एसर कर सकती है कि जो पैनल है दोस्तों वो 144Hz का रख दे, जिस तरीके से नाइट्रो सीरीज में आप लोगों को हर जो है इवन बेस वेरियंट वहां पे भी 144Hz देखने को मिलता है रिफ्रेश रेट ऑफ द स्क्रीन, तो वही सेम स्क्रीन जो है यहाँ पे यूज की जा सकती है। एक और चीज दोस्तों, इसका लॉन्चिंग होने की गारंटी मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोग यहाँ पे खुद देखिए दोस्तों, इसके जो भी मॉडल्स हैं फ्रेंड्स यहाँ पे उसकी रेटिंग जो है काफी ज्यादा हाई है फ्लिपकार्ट के ऊपर। इतनी ज्यादा जो रेटिंग्स होती हैं दोस्तों वो मैं कहूंगा कि एक नॉर्मल जो पॉपुलर ईयरफोन्स होते हैं उसको भी नहीं मिलती है। डेफिनेटली कुछ जो ज्यादा पॉपुलर होते हैं वो तो 60-70,000 के रेंज में चल जाते हैं, बट स्टिल फॉर ए लैपटॉप ऑफ दिस प्राइस पॉइंट उसके लिए जो है दोस्तों काफी ज्यादा अच्छी रेटिंग है। तो एसर बिल्कुल नहीं चाहेगी दोस्तों कि इतनी जो अच्छी सोने की मुर्गी है वो जो है उसको छोड़े। तो डेफिनेटली आप लोगों को आने वाले शायद से अगले जून में ही जो है दोस्तों कुछ ना कुछ 3050 के साथ में जो है अपडेट देखने को मिल जाए। नाउ यहां पे दोस्तों मैं जून इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड कि RTX 3050 के साथ में जो है Asus अपना लैपटॉप जो है इंडिया में सबसे पहले लॉन्च करे, क्योंकि Acer जो है दोस्तों इस बार हर फ्रंट में जो है एडवांस रहा है, हर लैपटॉप में जो है उन्होंने पहले ही इंडिया में लॉन्च कर दिया है चाहे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो। तो देयर इज नो डाउट कि इस बार RTX 3050 वाले जो भी लैपटॉप आप लोगों को देखने को मिले इंडिया में काफी ज्यादा वो जो है वो Acer की तरफ से ही मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द फीचर्स आर स्टैंडर्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।